हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। पिछले वाले एपिसोड में हम विलेज में आए थे और विलेज में कुछ सामान लूट लिया। क्या क्या मिला है वो देखते हैं हम। ये विलेज बहुत ही अच्छा था, उसमें बहुत ही सारा का ज़रूरी और काम का सामान था। उसमें से हमको पम्पकिन पाए, कुछ आयरन इंगोट और आयरन पिकेक्स मिली थी और कुछ नहीं, बस इतना ही। बहुत काम का सामान था ये, और कंपास भी मिला था। नीचे जाते हैं, हमारा आज गेम स्टार्ट होते ही शाम हो गई है। फिर से सो के आना होगा और दिन करना होगा। हम आ गए, आज हम हमारा कासल का बेस बनाने वाले हैं और उसके लिए हमको कुछ माउंटेन टाइप एरिया होगा चाहिए होगा, वो थोड़ा सा ऊंचा होगा। वो सामने बहुत ही पेड़ दिख रहे हैं और माउंटेन भी दिख रहा है, वहाँ पे जाके देखते हैं वो एरिया कैसा है। चले जाते हैं हम, यहाँ से नीचे जाते हैं। वहाँ के एरिया कुछ ऊपर नीचे होगा, उसे हमको फ्लैट करना होगा। आगे जाते हैं और या राइट साइड में बहुत ही बड़ी खाई थी, उसमें हम गिर जाते। जल्दी से ऊपर चलते हैं, नहीं तो नीचे गिर जाएंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कैसा एरिया है। ये अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे सीढ़ियाँ जैसी हो। हाँ, ये एरिया बहुत ही अच्छा है, ये दोनों पेड़ को काट लिया तो बहुत ही अच्छा बनेगा। इसे हमको थोड़ा सा फ्लैट बनाना होगा। वो सामने कौन सा एनिमल है, ये मुझे फॉक्स लग रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कौन सा एनिमल है, मुझे तो पता नहीं। ये कोबलस्टोन दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। यहाँ से हम पेड़ काटना शुरू करते हैं। ये पेड़ तो तोड़ डाले हमने, हमें कासल बनाने के लिए कुछ स्टोन की ज़रूरत होगी। हम स्टोन ढूंढने जाते हैं, बहुत सारा स्टोन लगेगा। यहाँ से हम स्टोन तोड़ना चालू कर देते हैं। हमारे पास आयरन की पिकेक्स है, उससे हम जल्दी से जल्दी तोड़ पाएंगे और तोड़ते बहुत ज़्यादा और बहुत वो चाहिए होगा हमको कोबल स्टोन। तोड़ते हैं हम, और शाम भी हो गई। अगली सुबह हो गई और हम बहुत बहुत सारा कॉबलस्टोन तोड़ लिया है और थोड़ा तोड़ेंगे। बहुत सारा कॉबल स्टोन तोड़ लिया है, दो तीन स्टैक तोड़ लिया है कॉबल स्टोन। बस इतना हो जाएगा बेस बनाने के लिए। और कोल भी मिला था और रॉ कॉपर भी मिला था, उसका क्या यूज़ है मुझे तो पता नहीं। देखते हैं क्या यूज़ है उसका, और बाहर जाते हैं। इस माउंटेन को तोड़ने के लिए हमको शवल बनानी पड़ेगी, और शवल बनाते क्राफ्टिंग टेबल को निकाल के यहाँ रख देते हैं और उससे हम शवल बना लेते हैं आयरन की। बहुत फास्ट काम कर रही है वो।
क्राफ्टिंग टेबल को हम तोड़ के इन्वेंट्री में रख देते और यहाँ पे शाम भी हो गई, हम सो के आ जाते, जल्दी सुबह होगी, घर जाते हैं, हम सो के आते हैं। लो हम घर पे पहुँच गए और बेड पे सो जाते हैं, कल सुबह बाकी का काम करेंगे। हम सो के उठ गए, जाते हैं वापस काम पे, और हमारे फूड बार भी बहुत कम हो गया, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं और फूड बार भी फुल हो गया। बाहर कुछ ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही है, बाहर जाते हैं हम और बारिश चालू हो गई। बारिश यार, वापस से काम पे जाना पड़ेगा। वापस से काम पे जाते हैं हम, नीचे उतरते हुए सामने के पहाड़ में जाते हैं। ये लोमड़ी है ना, सामने जाते और लेफ्ट साइड में स्केलेटन है, उसको मारते, वो हमको मार रहा है, उसके मार के हमको हड्डी मिलेगी और हम डॉग को टेम कर पाएंगे। और यहाँ पे स्पाइडर भी आई थी और क्रीपर आके फूट गया। शेट, वापस से हम जिंदा हो गए हैं, मैं बाहर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे क्रीपर और स्केलेटन और स्पाइडर हो गई। वापस हम अगले दिन जाएंगे, सुबह हो गई और बारिश भी बंद हो गई है, हम जाएंगे वापस, देखेंगे हमारा सामान है कि नहीं, जल्दी से जाना होगा वहाँ पे, हमारा सामान डिस्पोन ना हो जाए। वापस हम आ गए हैं, हम जहाँ मरे थे वहाँ, वापस हम सारा सामान कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारा सामान हो गया है, कलेक्ट कर लिया, हमारा फूड भी आया है वो भी कलेक्ट कर लिया और वापस हम काम पे आ गए हैं और पहाड़ तोड़ना शुरू कर देते हैं। हम हमारे शवल का है, शवल निकाल लेते हैं हमारे, यहाँ से हम सीधा तोड़ के नीचे जाएंगे 10 ब्लॉक। हमने तोड़ना चालू कर दिया है और तोड़ते तोड़ते यहाँ से सीधी लाइन मारेंगे, इधर से उधर हम, यहाँ पे हमने सीधी लाइन मार दी है और 10 ब्लॉक नीचे आ गए। हमें कोल देंगे, कोल तोड़ लेते हैं, कोल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी खाना पकाने के लिए, तो लास्ट का कोल तोड़ लिया है और बाहर जाते हैं। यहाँ पे हम वापस से हम तोड़ने का काम चालू कर देते हैं, हमने आधा पहाड़ तोड़ दिया है, वापस हम तोड़ना चालू कर देते हैं। और गाइस, मेरे इन्वेंट्री फुल हो गई, हमें तो अभी चेस्ट बनाना पड़ेगा, उसमें हमको सामान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं और चेस्ट बना लेते हैं, उसमें हम कुछ काम का सामान रख देते हैं, जैसे कि स्टोन, डर्ट, चेस्ट बना ली, उसमें हम डर्ट भर देते हैं और स्टोन भी भर देते हैं। बाकी का स्टोन हमने हमारे घर पे रख दिया था एक चेस्ट में, वहाँ पे एक चेस्ट थी उसमें हम बाकी का स्टोन रख कर आए थे। सामान रख दिया और हम फिर से तोड़ना चालू कर देते, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है स्टोन। स्टोन कलेक्ट कर दिया, अभी हम वापस से हम काम चालू कर लेते। सो गाइस, ये काम पूर्ण हो गया है,
या फिर हमने पहाड़ को तोड़ दिया है हमारे जैसे चाहिए था वैसे, और वो बाकी की जगह जैसे गड्ढे उसमें हम स्टोन भर देते हैं और कुछ जगह डर्ट। जहाँ जहाँ गड्ढे हम उसे पूरा कर देते, यहाँ पे मैंने एक वॉल पे पूरा डर्ट लगा दिया है, वो एक ब्लॉक ज़्यादा ही तोड़ दिया था, उसे मैंने डर्ट से ढक दिया है और नीचे स्टोन से ढक देते हैं। जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पे फिल कर देते हैं, वो प्लेन सरफेस हो जाएगा। एक ब्लॉक एक्स्ट्रा लगा उसे तोड़ लेते हैं और सारे जगह को हम फिल कर देते हैं स्टोन से। यहाँ से हम गिनना चालू कर देते हैं, 10 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम शवल सेंटर तोड़ लेते हैं, हमें समझ आ गया कि ये 10वां ब्लॉक है। या फिर हम 10 ब्लॉक गिन लिए हैं और यहाँ से हम सीढ़ियाँ बनाएंगे हमारी, 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक रख दिए हैं। या फिर पीछे आके हम डर्ट लगा देते हैं और एक डर्ट लगा ज़्यादा लगी उसे तोड़ लेते हैं। यहाँ से ऊपर हम स्टोन लगाएंगे वापस, 2 3 4 5। गाइस मुझे बताना कि यहाँ पे स्टोन अच्छा लगा कि या स्टेयर्स। तो गाइस आज मैंने बहुत ही काम कर लिया है, मुझे बताना कि मुझे स्टोन की जगह स्टेयर्स लगाना चाहिए या स्टोन ही रहने देना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।